सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को होली तो बहुत ही पसंद होगी और उसके चिप्स तो अच्छे ही लगते होंगे। हाँ ओ, लेकिन उसका सलूशन भी है मेरे पास, तो चलिए बनाते हैं। सबसे इजी तरीका चिप्स बनाने का और जिससे चिप्स वाइट भी बने, तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हमें पोटैटो लेना है, उसे पील कर लेंगे और इसे अच्छे से वॉश करेंगे। उसके बाद हम इसे शेप में कट कर लेंगे, आप इसे कोई भी शेप का कर सकते हैं। उसके बाद हम इन्हें अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसकी सारी स्टार्च चली जाए। उसके बाद हम इस धुले हुए पोटैटो को अलग बकेट में डालेंगे, इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद हम गर्म पानी में सॉल्ट डालेंगे और फिटकरी डालेंगे। फिटकरी से चिप्स एकदम वाइट बनते हैं। उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से प्रेस करेंगे और कुछ देर बाद इसे जब खोलेंगे तो ये पक चुके होंगे। इसे कैसे चेक करें कि ये पके हैं कि नहीं? तो हम इसे टूथपिक की मदद से चेक करते हैं। तो अब हमारे चिप्स पक चुके हैं, अब हम इसे धूप में फैला देंगे। सारे चिप्स वन बाय वन अलग अलग सेपरेट नहीं रखने हैं। ये देखिए, हमारे सारे चिप्स फैल चुके हैं। अब अगले दिन इसे सूखने का वेट करते हैं। ये देखिए, हमारे पूरे चिप्स अच्छी तरीके से सूख गए हैं। ये देखिए, हमने कुछ ऑरेंज चिप्स भी बनाए हैं। आप भी कलरफुल चिप्स बना सकते हैं अलग अलग कलर्स मिला के। अब चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। वाह, कितने टेस्टी एंड क्रंची ये बने हैं, लेकिन चटनी के बिना इसमें मज़ा कहाँ है। तो चलिए जल्दी से चटनी पीस लेते हैं। ये देखिए, हमारी चटनी पिस चुकी है, अब हम इसे बाउल में डाल देंगे। लेकिन हाँ, चिप्स में हमें आमचूर पाउडर डालना है। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एंड एन्जॉय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।